हेलो दोस्तों, रीठा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी के दिमाग में जब भी आती है तो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि रीठे का इस्तेमाल करके हम अपने बालों को काला कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीठा केवल बालों को काला करने के लिए ही काम में नहीं आता है, ये बालों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम में आता है। कई लोगों को ये लगता है कि काले से गोल गोल मोटे मोटे बीज को ही हम रीठा कह सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रीठा वास्तव में क्या होता है? दोस्तों, रीठा शैम्पूज बनाने के लिए और बालों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मार्केट के अंदर जो भी केमिकल से बने हुए शैम्पूज अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल बालों पर करने से हमारे बालों में कुछ पल की चमक जरूर आती है, लेकिन अंदरूनी तरीके से हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वो केमिकल से भरा हुआ शैम्पू हमारे स्कैल्प को अनहेल्दी कर देता है और काफी ज्यादा ड्राई भी कर देता है। लेकिन अगर आप रीठे से बने हुए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल ये हमारे स्कैल्प को नरिश करता है बल्कि हमारे बालों को काला बनाकर उन्हें चमकदार बनाने में भी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रीठा का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हमें बाजार से शैम्पू खरीदना होगा या फिर रीठे से बनी हुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना होगा? आपको इतने सारे काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप मिनिमम क्वांटिटी लेकर भी अपने बालों को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में जो आपके बालों को नरिश करके काला और चमकीला बनाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्कैल्प को नरिश करना। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है और आपको डैंड्रफ या फिर रूसी की समस्या है तो आप हिना के पाउडर के अंदर दही मिलाकर उसे अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप रीठे का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये आपके स्कैल्प को अच्छे तरीके से नरिश करेगा और जब आप इसे वॉश करेंगे तो आपके स्कैल्प से सारा डैंड्रफ भी साफ हो जाएगा। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैमेज की प्रॉब्लम है तो रीठे के पाउडर को आप शिकाकाई के पाउडर के साथ मिक्स करके मेहंदी की तरह अपने बालों में लगाइए। आप चाहें तो इसके अंदर मेहंदी भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो मिला सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से बालों में हेयर पैक की तरह लगाइए और सूखने के बाद अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिए। इस बात को खास तौर पर ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो वॉश करने के बाद अपने बालों को गीले बालों को ही कंघी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कंघी करते हुए गीले बाल काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा टूटते हैं। अपने बालों को झटक कर साफ ना करें, ऐसा करने से बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अगर आपने हेड वॉश किया है तो बालों को पूरे तरीके से सूखने दीजिए और उसके बाद ही अपने बालों में कंघी करना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके बाल डैमेज से भी बच जाएंगे और पूरे तरीके से सुलझ भी जाएंगे। बालों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप बालों को निचले सिरे से सुलझाना शुरू करें। कई लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने बालों को ऊपरी सिरे से सुलझाते हैं और सुलझाते सुलझाते जब वो एंड तक पहुंचते हैं तो उनके बालों का काफी बड़ा हिस्सा झड़कर या फिर टूटकर अलग हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने बालों के निचले सिरे से शुरुआत करेंगे तो आपके बाल बहुत ही कम टूटेंगे और आसानी से सुलझ भी जाएंगे। सो दोस्तों, ये है कुछ फायदे रीठा के जो आपके बालों को चमकदार बना सकता है। इसे ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।